अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अंशुमन अंशुमन अंशुमन, इस सुमन को इस नाम और इंसान के अलावा कुछ सुनाई दिखाई देता भी या नहीं? देख लेना राजी, हम लिख कर देते हैं, एक दिन वो लड़की सारी फैक्ट्री, शेयर्स, बंगला सब कुछ लौटा कर ही रहेगी। नहीं, हम ऐसा होने नहीं देंगे। कहाँ है सुमन? हमें उसे रोकना ही होगा। माँ माँ शांत हो जाइए, सुमन फैक्ट्री गई। और आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, अंशुमन और उसकी फैमिली वालों ने वो पेपर्स प्रॉपर्टी लेने से मना कर दिया है। उनके मना करने से क्या होने वाला है? जानते हो ना सुमन को अच्छाई की मूर्ति बनने का कितना शौक है उसे? तभी तो 2 साल पहले तुमसे शादी करने को तैयार हुई थी। और आज वो किस वजह से तुम्हारे साथ है ये भूलना मत। अगर उसे ये बात पता चल गया तो मा! हमने कसम खाई थी कि हम इस बारे में कभी बात नहीं करेंगे, याद है ना आपको? तो अच्छे से याद रखियो और अपना मुंह बंद। तो तुम भी ये याद रखो कि हम इतनी आसानी से ये सब खो नहीं सकते, और सुमन पर लगाम लगाना तुम्हारा काम है। माँ आप चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। आई जो जैसा दिख रहा है शायद वैसा है नहीं। कोई तो राजा राजीव और सुमन की शादी के पीछे, और अब भी मुझे पता करना ही होगा। पेपर्स को फाड़ो, फेंको या जलाओ, कुछ भी करो, ये शेयर्स तुम्हारे नाम पर ही रहेंगे। मेरा इनसे अब कुछ लेना देना नहीं। अंशुमन जाको मालिक की कुर्सी पे बैठाने में तुली हो। तू मालिक नहीं, हम जैसा एक नौकर है, नौकर इससे ज्यादा और कुछ नहीं। आपसे जो आपका सम्मान छीना गया है, हम आपको वो सम्मान वापस दिलाएंगे अंशुमन जी, और ये सुमन का वादा है। सुरभि जी, मैं मंडी जा रहा हूँ सब्जी लेने के लिए। माँ, पापा, बिग बिग है। वो अंदर है बेटा, पर हुआ क्या है? इतने घबराए हुए क्यों हो? Congratulations, बिपिन। अब समझो हमारे और वर्कर्स के बीच अच्छे दिन आ गए। जानते हो क्यों? क्योंकि जिस फैक्ट्री के लिए इतने फसाद चल रहे थे, वो फैक्ट्री बंद होने जा रही है। बंद होने जा रही है मतलब? तू कहना क्या चाहता है? वही जो सच है। मिसेस सुमन रॉय फैक्ट्री के गेट पे बड़ा सा ताला लगाकर हमारी बच्ची खुची उम्मीदों को रौंदते हुए हमेशा हमेशा के लिए कोलकाता वापस जा रही है। डायन भी ना साथ घर छोड़ के बाहर करती है, लेकिन ये सुमन, डायन का भी मां निकली बहा बहा के ये अब सगुनी सारा पैसा हजम कर गई। का होगा हमारा, का होगा हमारे मजदूरों का, का होगा? माफ कीजिएगा बड़ी माँ, लेकिन जो हमारा है हम उसे अपने पास रखें, बेच दें, चलाएं न चलाएं, ये तो हमारी मर्जी है, हमारा फैसला है। क्यों मिस्टर अंशुमन झा? सुमन
हम सही कह रहे हैं ना? आपको हमारे इस फैसले से कोई आपत्ति तो नहीं? बताइए, हम उस फैक्ट्री के साथ कुछ भी कर सकते हैं ना? तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकती सुमन। क्यों? आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? क्यों हम ऐसा नहीं कर सकते? क्योंकि मैंने तुम्हें यह अधिकार दिया ही नहीं है। क्या कहा आपने? हमें सुनाई नहीं दिया। जरा जोर से बोलिए, क्या नहीं है हमारे पास? बताइए मिस्टर अंशुमन झा। लगता है मिस्टर अंशुमन झा ने जो अभी बोला है वो उस बात को दोहरा नहीं पा रहे। कोई बात नहीं, हम ही बता देते हैं। मिस्टर अंशुमन झा ने अपने हिस्से के सारे शेयर्स हमारे नाम तो कर दिए, लेकिन उसकी अथॉरिटी इन्होंने कभी हमें दी ही नहीं थी। क्या हुआ सुरभि मां? आंचल, पापा, आप लोग इतने हैरान क्यों हैं? क्या ये बात इन्होंने आप सबको नहीं बताई? नंदन, तुम तो जानते थे ना इस बात के बारे में, तुमने भी परिवार वालों को नहीं बताया। एनीवे, ये आप लोगों के घर का मामला है, हम इसमें बीच में नहीं आएंगे। वो हमें तो मिस्टर अंशुमन झा से एक बात क्लियर करनी थी, और वो बात क्लियर करनी बहुत जरूरी है। कहा था कि हमारे शेयर से आपका कोई लेना देना नहीं है, इन्होंने कहा था आप सबके सामने। हम ये अपने मन से नहीं कह रहे हैं, इन्होंने ही कहा। तो फिर अगर आपको हमारे शेयर से कुछ लेना देना है ही नहीं, तो उसकी अथॉरिटी आप हमें क्यों नहीं दे देते? क्या सुमन सच कह रही है? जब आपने उसका उसको सब कुछ लौटा दिया था, तो फिर ये एक तार क्यों बांधे रखा? बोलिए अंशुमन जी, बताइए इसे क्यों नहीं तोड़ दिया? आपने पूरी तरह से सुमन से मुंह क्यों नहीं मोड़ लिया? अंशुमन जी, बताइए। अधिकार पूरा दे दिया होता तो इस अपशगुनी को बार बार यहाँ आने का मौका कैसे मिलता? वैसे भी बड़ के बउआ को एक ना एक धागा जोड़ के रखने का तो पुराना आदत है, नहीं? बस बड़ी माँ, बस वही धागा आज हम तोड़ने आए हैं। चलिए मिस्टर अंशुमन झा, आप इन पेपर्स पर साइन कर दीजिए और अब वो अथॉरिटी हमें ट्रांसफर कर दीजिए। फिर भूल कर भी हमारे और आपके रास्ते फिर से नहीं टकराएंगे। लीजिए, साइन कीजिए। मैं इन पेपर्स पर साइन नहीं कर सकता। क्यों अंशुमन बेटा, तुम साइन क्यों नहीं करोगे? वो सब मैं नहीं बता सकता माँ। क्यों नहीं बता सकते अंशुमन? और पहले तो ये बताओ कि ये अथॉरिटी अभी तक तुम्हारे पास क्यों है? वो इसीलिए पापा, क्योंकि मुझे मिसेस सुमन रॉय पर एक पैसे का ट्रस्ट नहीं है। मैंने भले ही कंपनी के शेयर्स इनके नाम कर दिए, लेकिन वो वर्कर्स आज भी मेरी जिम्मेदारी है, और मैं किसी को भी उनसे उनका हक छीनने नहीं दूंगा, और ना ही उनकी हस्ती खेलती जिंदगी को बर्बाद करने दूंगा। मिस्टर अंशुमन झा, अगर उन वर्कर्स की इतनी ही चिंता है आपको, इतनी फिक्र है, तो आप ऐसे घर पे क्यों बैठे हैं? इस बारे में कुछ करते क्यों नहीं? बोलिए। That's none of your business. None of my business.
फैक्ट्री बंद होने के कगार पर है। सब हमें विलन कह रहे हैं। आप तो विलन नहीं है ना, आप तो सबका भला चाहते हैं। तो फिर सोचिए, इतने बड़े प्रॉब्लम का कोई ना कोई सलूशन तो निकालिए, या बस बातें बनाना ही जानते हैं आप। मिस्टर अंशुमन झा, अगर उन वर्कर्स के बारे में सच में सच्चे दिल से आप सोचते हैं ना, तो चलिए हमारे साथ फैक्ट्री चलिए और उनकी पुकार सुनिए, उनके सपने पूरे कीजिए और फिर कहिएगा नन ऑफ माय बिजनेस। अब चुप क्यों खड़े हैं, बोलिए, कर पाएंगे ये? मिस्टर अंशुमन झा, आपका तो पता नहीं, लेकिन हमारे लिए वक्त बहुत कीमती है। या तो आप इन पेपर्स पर साइन करके वो अथॉरिटी हमें दे दीजिए, या फिर हमसे वादा कीजिए कि फैक्ट्री की हालात आप संभालेंगे। अगर हक आपका है तो ड्यूटी भी आपकी है। ठीक है, मैं इन पेपर्स पर साइन करने के लिए तैयार हूं और फैक्ट्री भी संभालूंगा, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक यहां के हालात सुधर नहीं जाते। मजदूर एकता, मजदूर एकता, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, मजदूर एकता, हमारी मांगे पूरी करो, मजदूर एकता, मजदूर एकता। शांत हो जाइए, प्लीज शांत हो जाइए और हमारी तरफ देखिए। हमने कल ही सारी बातें क्लियर कर दी थी। हमने कहा था ना कि हमें एक हफ्ते का समय दीजिए, हम आपके प्रॉब्लम का सलूशन निकाल लेंगे, सब कुछ सेटल कर देंगे। फिर आज ये नारेबाजी क्यों? और हम आप लोगों को कुछ अनाउंस करने भी आए, हमें आप सबको कुछ इन्फॉर्म करना है कि आज से इस फैक्ट्री की जिम्मेदारी सिर्फ हमारी नहीं है, बल्कि आप लोगों के पुराने मालिक मिस्टर अंशुमन झा की भी है। तो अब से आपकी सारी मांगे, आप सबके सपने सिर्फ हम नहीं मिस्टर अंशुमन झा भी पूरी करेंगे। स्वागत इतना दिलचस्प है तो पता नहीं आगे का सफर कैसा रहे। सफर शुरू होने से पहले खत्म समझो अंशुमन बाबू, आप अंदर नहीं जा सकते। लल्लन, तुम्हारी याददाश्त कमजोर है क्या? तो ठीक है, हम तुम्हें याद दिलाते हैं। जब तक मिस्टर अंशुमन झा मालिक थे, तब तक तुम लोगों को सैलरी टाइम पर मिला करती थी, लेकिन अब क्या हो रहा है? नारेबाजी कर रहे हैं ना आप लोग? क्या आप लोग यही चाहते हैं कि आप लोगों को सैलरी टाइम पर नहीं मिले? नहीं ना, तो प्लीज हमारा रास्ता छोड़िए और हमें अपना काम करने दीजिए। मिस्टर अंशुमन झा, आपकी कुर्सी आपका इंतजार कर रही है, चले। कुछ भी शुरू करने से पहले कंपनी के अकाउंट्स देखना चाहता हूं। मिस्टर अंशुमन झा, हमें ऐसा लगता है हमें पहले कंपनी के मैनेजमेंट इशू को सॉल्व करना चाहिए। फैक्ट्री के अंदर और बाहर बहुत तोड़फोड़ हो चुकी है। सही काम से सुमन रॉय, तोड़फोड़ तो हुई रिश्तों की, वफादारी की, विश्वास की। काम की बात चल रही है,
तो काम की बात करें तो ही बेहतर रहेगा मिस्टर अंशुमन झा। यहाँ पर्सनल होने की कोई जरूरत नहीं है। सूट्स भी फाइन, अकाउंट्स, मुझे सबसे पहले कंपनी के अकाउंट्स देखने हैं। पैसों को लेकर कहाँ गड़बड़ हुई, लोगों को उनके पैसे क्यों नहीं मिले, वर्कर्स को उनकी सैलरी क्यों नहीं मिली, मैं खुद इस बात की तह तक जाना चाहता हूँ। वो क्या है ना कि आजकल लोग दिखते कुछ और हैं, कहते कुछ और करते कुछ और लोगों पर विश्वास करने की फितरत अब बची नहीं है। किसी को सफाई देने की ना हमारी आदत है और ना ही जरूरत। आपको अकाउंट्स चेक करने हैं ना? ठीक है, हम पहले अकाउंट्स ही चेक करेंगे। एक्सक्यूज मी, नहीं हम आपको बाद में कॉल करते हैं। हाँ ओके चले। सर अकाउंट सेक्शन में आग लगी हुई है। आग? ये सब कैसे हुआ, ये आग कैसे लगी? कोई आइडिया नहीं कब हुआ कैसे हुआ सर। एक्सक्यूज मी, अंदर कोई है तो नहीं ना? आपने फायर ब्रिगेड को कॉल किया? हाँ मैम, हमने कॉल कर दिया, वो आ रहे हैं। ओके अंशुमन जी, हमें चलकर उनकी मदद करनी चाहिए, कहीं आग ज्यादा ना मर जाए। अंशुमन जी क्या करें, चलिए। पिछले दो साल में बहुत कुछ सीख लिया तुमने, एक्टिंग भी। मतलब? मतलब ये कोई कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता कि मैंने यहाँ पर आते अकाउंट चेक करने की बात की और यहाँ अकाउंट सेक्शन में आग लग गई। अंशुमन जी आप हम पर शक कर रहे हैं। शक तो उस पर किया जाता है जिस पर रत्ती भर भी विश्वास हो, और जो तुमने मेरे साथ किया है उसके बाद तो आई डोंट ट्रस्ट यू एट ऑल मिसेस सुमन रॉय। अंशुमन जी वो आपकी प्रॉब्लम है, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि मेरी प्रॉब्लम तुम्हारी भी प्रॉब्लम है, क्योंकि हम दोनों साथ में काम कर रहे हैं। सो टेल मी, किसको अलर्ट किया था तुमने फोन पर? किसने तुम्हारे कहने पर ये आग लगाई ताकि तुम्हारे काले कारनामे सामने आने से पहले ही जलकर राख हो जाए? टेल मी हु वाज दैट। अंशुमन जी अब आप अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हैं। लिमिट क्रॉस करना क्या होता है ये बताना भी बाकी है, उससे पहले आग बुझाना जरूरी है। अंशुमन जी पागल हो गए क्या? आग लगी है वहां पे, और ऐसे बेबुनियाद इल्जाम लगाकर आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते। हमने कोई फ्रॉड नहीं किया, किसी को धोखा नहीं दिया, समझे आप? हमने कुछ नहीं किया। मेरा विश्वास जीतने का सिर्फ एक ही तरीका, आई वांट टू सी दीज अकाउंट्स। जब तक मैं ये अकाउंट्स चेक नहीं कर लेता मैं आगे नहीं बढ़ने वाला। That's final. अंशुमन जी आराम से। राजी ये गरम पराठे लो। थैंक यू मैम। महिमा आंटी हमें अपना फोन दीजिए। क्या हुआ सुमन, तुम्हें क्यों चाहिए माँ का मोबाइल? हमें अपना फोन दीजिए आंटी। आज सुबह से आप कहाँ थी? मार्केट गई थी। सिर्फ मार्केट या फैक्ट्री के अकाउंट सेक्शन भी? हाँ वहां भी गई थी, कुछ काम था अभी। लेकिन तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? कुछ खास नहीं, हम बस ना सोच में पड़ गए थे। आज ही आप अकाउंट सेक्शन गई, आज ही वहां आग लग गई, और सिर्फ इतना ही नहीं, जिस जगह आग लगी ठीक उसी जगह हमें ये स्टोन्स भी मिले जो आपके मोबाइल कवर के हैं। तो ये सब एक इत्तेफाक तो हो नहीं सकता। सुमन तुम माँ पे शक कर रही हो? डॉक्टर राजीव हम महिमा आंटी पर शक नहीं कर रहे, फैक्ट बता रहे, और फैक्ट यही कह रहा है कि आज महिमा आंटी अकाउंट सेक्शन गई और वो आग भी इन्होंने ही लगाई थी। देखिए ये स्टोन भी इनके मोबाइल कवर से मैच कर रहे हैं, और ये स्टोन हमें उसी जगह से मिले। हाँ लगाई, वो आग हमने ही लगाई,
तो। माँ ये क्या कह रही है? यही सच है राजीव, और सच बोलने में हमें कोई डर नहीं है। आपने आप क्यों लगाई महिमा आंटी, बताइए क्या थी वजह? आप यही चाहती थी ना कि अंशुमन जी और हमें सच्चाई के बारे में कभी पता ही ना चले। कौन सी सच्चाई? कहना क्या चाहती हो तुम? क्यों अपनी हदें पार करियो सुमन? ये मत भूलना कि इस बिजनेस और फैक्ट्री के चक्कर में कि इस घर इस परिवार की तरफ भी तुम्हारा कोई फर्ज है। इस परिवार से पहले हमारा एक और परिवार है, और वो अंशुमन जी का परिवार है। एक मिनट। अकाउंट स्टेटमेंट खुद देख लीजिए, और हमारे उस परिवार के साथ आपने क्या क्या किया है हमें सब पता चल गया। महिमा आंटी हमें बिना बताए हमारे ही फैक्ट्री से आप पैसे निकालती रही। फ्रॉड पे फ्रॉड, फ्रॉड पे फ्रॉड, बस इसलिए फैक्ट्री का ये हाल है। गरीब मजदूरों को देने के लिए सैलरी नहीं, क्योंकि पैसे नहीं हमारे पास। ये फ्रॉड नहीं है सुमन। हॉस्पिटल्स बनवाए हमने, तीन तीन हॉस्पिटल, जहां गरीबों का मुफ्त में इलाज होता है, जहां हर रोज कितनी जिंदगियों को बचाया जाता है। किसी की जान बचा के किसी का जान लेना, ये कहां का इंसाफ है महिमा आंटी? और हम तय करने वाले कौन होते कि किसकी जान ज्यादा कीमती और किसकी कम? लेकिन कोई बात नहीं, अब हम वही करेंगे जो हमें सही लगेगा। हमें पता चल गया है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास क्या अधिकार होते हैं। अंशुमन जी के सारे शेयर्स हम उन्हें अभी के अभी ट्रांसफर कर देंगे, और यह हवेली भी उन्हें लौटा देंगे। और इसके लिए आप दोनों को हमारा एक काम करना होगा। ये ऑर्डर है या फिर ब्लैकमेल? आपको जो समझना है समझ लीजिए, लेकिन अब वही होगा जो हम चाहते हैं। हाँ हाँ जाओ, तुम्हें जो करना है कर लो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक बात याद रखना, हर ट्रांजैक्शन, हर डीड, हर पेपर वर्क पर तुम्हारा नाम है। इसलिए एक भी गलत कदम उठाने से पहले ये याद रखना कि जो नतीजा है वो तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा, सिर्फ तुम्हें। आगे तुम खुद समझदार हो। फाइन। सुमन, अंशुमन क्या हुआ बेटा, ये चोट कैसे लगी तुम्हें? कुछ नहीं, बस साइकिल से गिर गया था। क्या करती हो बेटा? क्या हुआ, आप सबके चेहरे पे इतनी उदासी क्यों है? तुम्हें याद है अंशुमन, आज के दिन हमारे घर के मंदिर में कान्हा जी की मूर्ति स्थापित हुई थी। आज के दिन घर में मूर्ति आई थी और कान्हा जी को स्थापित किया गया था। आज उनका स्थापना दिवस है, और आज फिर हम कान्हा जी के मंदिर में पूजा नहीं कर पाएंगे। पूजा करना तो दूर, कान्हा जी के दर्शन तक नहीं कर पाएंगे। कर पाएंगे, जरूर कर पाएंगे। सुरभि माँ, आप सबकी नाराजगी हमसे है, कान्हा जी से तो नहीं ना? आप सबने हवेली छोड़ी है, कान्हा जी के प्रति अपनी आस्था तो नहीं? तो प्लीज आप लोग इस प्रथा को मत तोड़िए, आप लोगों को आपके कान्हा जी की कसम। चलिए और घर चलकर स्थापना कीजिए। देखिए आपके कान्हा जी आपका इंतजार कर रहे हैं। आज आप सबके लिए बहुत बड़ा दिन है, तो हर साल की तरह घर चलकर सच्चे दिल से उनकी पूजा कीजिए। आज जो कान्हा जी का दुहाई देकर तुम हमारी नजरों में महान बनने का कोशिश कर रही हो ना, उसके चलते तुम तो हमारी नजरों में और भी नीची गिर गई हो आज। बड़ी आई जख्मों को कुरेदना तो कोई सुमन से सीखे। अरे क्यों आ जाती हो बार बार यहाँ?
तुम्हें कितनी बार मना किया है कि हमारे परिवार से, हमारी जिंदगी से बाहर निकल जाओ, लेकिन तुम तो मानती नहीं हो, बार बार हमारे सामने आके खड़ी हो जाती हो। जाओ यहाँ से। सुरभि माँ, हम कान्हा जी के नाम का दिया लाए हैं, आपके कान्हा जी के नाम का। इस दिए के बुझने से पहले आप सब चलकर हवेली में पूजा कीजिए, स्थापना दिवस मनाइए। सुरभि माँ, अब हमने इस दिए को आपके हवाले कर दिया है। सुरभि माँ, या तो आप इस दिए को यहीं बुझने दीजिए, या फिर हवेली चलकर अपने कान्हा जी के सामने चढ़ाइए। चले माँ, आपको अपना धर्म निभाना है तो निभाइए, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। आप भी आएंगे अंशुमन जी, आप भी आएंगे, अपने घर जरूर आएंगे, वो भी बहुत जल्द, क्योंकि आपको वो सब मिलने वाला है जो आपका अपना है। आप तो चलेंगे ना जी, अपनों का प्यार और उनकी कमजोरी का फायदा कैसे उठाना है, सुमन से ज्यादा अच्छी तरह कोई नहीं जानता। एक बात कान खोल के सुन लो, आज तुम्हारे इज्जत अब मान रहे हैं, क्योंकि बात हमारे कान्हा जी की। हम भी तो वही कह रहे हैं ना सुरभि माँ, कि बात सिर्फ कान्हा जी की है। थैंक यू कान्हा जी, थैंक यू सो मच। आज के बाद हमें बार बार यहाँ आकर अपने परिवार को हवेली ले जाने के बहाने नहीं बनाने पड़ेंगे। हम सुमन रॉय पूरे होशो आवाज में आप सबके सामने कबूल करना चाहते हैं कि सुमन सिल्क उद्योग के जो भी हालात हैं, वो सब हमारे वजह से, उसकी पूरी जिम्मेदारी हमारी है, और फैक्ट्री में जो भी पैसों को लेकर गबन हुई है वो भी हमने ही किया है, और इसी वजह से आप लोगों को आप लोगों की सैलरी नहीं मिली, और बस इसलिए आज हम पूरी मीडिया और वर्कर्स के सामने अपना जुर्म कबूल कर रहे हैं, और आज खुद को कानून के हवाले कर रहे हैं। हमें अरेस्ट कीजिए इंस्पेक्टर सर। अरेस्ट सर? अभी अभी सुमन रॉय ने पुलिस स्टेशन में आकर अपना जुर्म कबूल कर लिया है, मजदूरों में इसको लेके रोष उमड़ आया है और वो आपे से बाहर हो रहे हैं। सुमन रॉय, सुमन रॉय, सुमन रॉय, सुमन रॉय, सुमन रॉय, सुमन रॉय। जैसे कि आपने देखा, सुमन रॉय ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपना जुर्म कबूल किया है और मजदूर भाई बहनों में आक्रोश उमड़ आया है। हमारी हाइट से सोने नहीं देगी सुमन। तुम सब अपने अपने घर चले जाओ, मैं लास्ट वार्निंग देता हूँ तुम लोगों को, अपने अपने घर चले जाओ यहाँ से। क्या कर दिया सुमन ने? Is she out of her mind? कान्हा जी की पूजा शुरू हुई ही थी और उनकी कृपा दृष्टि भी बरस गई, लग गई उस धोखेबाज सुमन को हथकड़ियां। कहते हैं विधाता के घर में देर है अंधेर नहीं, पहुंच गई चुट्टी अपने सही घर पे। माँ, मुझे जाना होगा संभालने के लिए, आप ध्यान रखना अपना। Hey! 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 Hey
हमारे जीवन में इतना बड़ा काला अंधेरा भरने की सजा तुम्हें इसी जन्म में भुगतनी पड़ेगी। देखिए आप लोग शांत हो जाइए। अंशुमन जी, एक मिनट मेरी बात सुनिए प्लीज। आप लोग प्लीज पीछे हो जाइए। कल वाली गलती आज दोबारा नहीं होगी। आज मैं उसका काम तमाम करके ही रहूंगा। देखिए आप सबका गुस्सा जायज, और यकीन मानिए मेरे अंदर भी ज्वालामुखी फट रहा है, लेकिन मिसेस सुमन रॉय ने खुद को कानून के हवाले कर दिया है। अब कानून को अपना काम करने दीजिए, और मेरा यकीन मानिए सबको न्याय मिलेगा, जरूर मिलेगा। आप क्यों नहीं समझ रहे? अरे ये बड़े लोग हैं, इन्हें कुछ नहीं होने वाला। अरे ये सब दिखावा का एक नाटक है, नाटक और कुछ नहीं। सुमन रॉय, इतना काला कारनामा करने वाले के मुंह पर थोड़ा तो कालिक लगना चाहिए था, लेकिन नहीं, बड़के बउआ ऐसा नहीं होने देंगे। वो पहुंच गए और बचा लिए अपनी सुमनिया को। देखिए अगर इनको भागना होता तो कब की भाग चुकी होती, लेकिन इन्होंने खुद अपने आप को कानून के हवाले किया है। कानून पर विश्वास रखिए, सबको न्याय मिलेगा, और जिसने भी गलती की है उसे सजा भी मिलेगी। मैं आप सबके आगे हाथ जोड़ता हूँ। नहीं, सजा नहीं मिलेगी। सुमन राय, सुमन राय, सुमन राय, हाय हाय। क्या बड़के बउआ भी ना। ठीक है अंशुमन बाबू, अगर आप बोल रहे हैं तो हम भी तसल्ली कर लेते हैं। इंतजार करके देखते हैं कि ये कानून हम मजदूरों को इंसाफ दिला पाता है या नहीं। चलो भाइयों। ये क्या भीड़ तो वापस जा रही है, ऐसे में हमला किया तो पकड़ा भी जा सकता। कान्हा जी की कृपा, फिर हमें तो देख के लग रहा है कि कान्हा जी की सारी कृपा तो सुमन दीदी पर ही बरस रही है। तभी तो देखो ना, अंशुमन भैया खुद उनके हट्टे कट्टे बॉडीगार्ड बन के उनके सामने जो खड़े। छोटी माँ, हमने देखा अंशुमन भैया सुमन को बचाने के लिए पहुंच गए। हे कान्हा जी, आपका लाख लाख धन्यवाद। थैंक यू सो मच मिस्टर अंशुमन झा, आज आपकी वजह से इतना बड़ा भीड़ कंट्रोल हुआ, वरना हमें यकीन नहीं था कि इतना बड़ा भीड़ कंट्रोल होगा। जब लोगों का भरोसा टूटता है ना, तो अंदर के सैलाब को काबू करना मुश्किल हो जाता है इंस्पेक्टर। वैसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इससे पहले कि आप सुमन रॉय को अंदर ले जाएं, क्या मैं इनसे 2 मिनट अकेले में बात कर सकता हूँ? ठीक है, लेकिन सिर्फ 2 मिनट। हाँ और कितने खेल खेलोगे तुम सुमन? तुम अच्छी तरह जानती थी कि अगर फैक्ट्री के अकाउंट्स मेरे हाथ में लग गए तो मुझे अंदर की घपलेबाजी समझ में आ जाएगी और मैं तुम्हें अरेस्ट करवा दूंगा। इसलिए तुमने बड़ी चालाकी से ये नाटक रचा और खुद को अरेस्ट करवा दिया। क्यों किया तुमने ऐसा? बोलो सुमन, किसे बचाने की कोशिश कर रही हो तुम? बोलो सुमन, जवाब दो।
अभी भी वक्त है सुमन, मुझे पूरा का पूरा सच बता दो। दो साल पहले तुमने मुझे धोखा दिया था और आज तुम इन वर्कर्स के साथ साथ पूरी दुनिया को धोखा दे रही हो। तब भी तुमने कुछ छुपाया था और आज भी तुमको छुपा रही हो। डोंट डू दिस सुमन, डोंट। सुमन बताओ कि बात क्या है, व्हाई डोंट यू ट्रस्ट मी? नहीं बता सकते अंशुमन जी, हम ये सब क्यों कर रहे हैं हम आपको सच में नहीं बता सकते, हमें प्लीज माफ कर दीजिएगा। चीजें छुपाने की या सफाई देने की हमें कोई जरूरत नहीं है मिस्टर अंशुमन झा। फ्रॉड हमने ही किया, पैसों की गबन भी हमने ही करवाई, तो अगर गलती हमने की है तो उसकी सजा भी तो हमें ही मिलेगी ना। बात इतनी सिंपल है, पता नहीं क्यों आपको समझ नहीं आ रही। कोई राज नहीं है, कोई बात हम नहीं छुपा रहे हैं। आप अपने मन में बातें क्यों बना रहे हैं, बस बात को और कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं। और वैसे भी कुछ भी सुनने या बताने का समय जा चुका है, हम कोई बात नहीं छुपा रहे हैं। फ्रॉड हमने किया इसलिए जेल जा रहे हैं बस। इंस्पेक्टर सर, हमारी बातें पूरी हो चुकी हैं, आप हमें अंदर ले जा सकते हैं। सुमन, कर ली तुमने अपनी जिद पूरी, हो गई ना तुम्हारी मनमानी? अब बस करो सुमन, बहुत हो गया। मैं लॉयर को लेके आया हूँ साथ में, बेल के पेपर साइन करो और घर चलो, माँ को मैं समझा दूंगा। समझाने का समय गया डॉक्टर राजीव, अब डिसीजन लेने का समय आ गया है। कैसा डिसीजन? जब तक राय बहादुर परिवार को उनका घर, उनका हक और गरीब मजदूरों को उनकी सारी की सारी पेंडिंग सैलरीज नहीं मिल जाती, तब तक हम जेल से बाहर नहीं आएंगे। सुमन, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? देखो, तुम मेरी इज्जत हो और बाहर हमारी कितनी बेइज्जती हो रही है ये बताने की मुझे कोई जरूरत नहीं, और फिर भी तुम। डॉक्टर राजीव, अब आपकी कोई भी दलीलें हमारी शर्तें नहीं बदल पाएंगी, और जिस बेइज्जती की आप दुहाई दे रहे हैं ना, हम बस उसी को रोकने का उपाय बता रहे हैं आपको, इतने बड़े प्रॉब्लम का सोल्यूशन बता रहे हैं। आप हमारी बात मानिए और फिर हम भी वादा करते हैं कि हम बेल पेपर्स पर साइन कर देंगे। बेकार की जिद कर रही हो। बेकार की जिद? जिसे आप बेकार की जिद कह रहे हैं ना, वो किसी का मान किसी का सम्मान है, समझे आप? लॉयर, प्लीज गिव मी द पेपर्स। इस बढ़ती हुई आग को रोकना है तो अभी के अभी आपको इन पेपर्स पर साइन करना होगा, और हम जैसा बोल रहे हैं महिमा आंटी और आप वैसा ही कीजिए। अगर आप लोगों ने वैसा नहीं किया तो जिंदगी भर हम इस जेल में सड़ते रहेंगे, और फिर उसके बाद क्या होगा वो तो आप खुद ही समझदार हैं। मतलब अभी तो हमने सिर्फ खुद को अरेस्ट करवाया है, पूरा इल्जाम अपने सर ले लिया है, लेकिन अगर एक बार इंक्वायरी बैठी तो ये फ्रॉड किसने किया, क्यों किया, किसके कहने पर किया, ये सारी बातें सामने आ जाएंगी। और अगर एक बार ये सारी बातें सबके सामने आ गई तो सिर्फ हमारे नर्सिंग होम्स ही नहीं बल्कि पूरा का पूरा परिवार यहाँ जेल में सवालों के कटघरे में होगा, समझ रहे हैं ना आप? पूजा संपन्न हुई। माँ, पापा। क्या हुआ बेटा, बात क्या है? पापा, आज सच में आज का दिन बहुत ही मुबारक है, आज हमें हमारी हवेली और हमारी फैक्ट्री सब कुछ वापस मिल गया। क्या?
हमारी फैक्ट्री हवेली वापस मिल गया सब कुछ। जी पापा। पर ये सब कुछ मुमकिन कैसे हुआ? पापा वो सुमन पर गबन का केस लगने के बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ये डिसाइड किया कि बिग बी का सारा शेयर बिग बी को वापस दे दिया जाए और हमें हमारी हवेली वापस मिल गई पापा। बांसुरी वाले तुम्हारी लीला अपरंपार है। आज पूरे 2 सालों के बाद ये जो सारा तकलीफ था दुख था एक पल में खत्म हो गया तुम्हारे कारण। पापा ये आपका मान आपकी हवेली आपको वापस मिली। बेटा ये तो हम सबका मान है। जी सुरभि जी अच्छे दिनों की शुरुआत तो सच में आज से हुई है। जेल में पड़ी सुमन को मौका भी नहीं मिलेगा इस हवेली के चक्कर लगाने का। सुमन रॉय को बाहर निकालो। आज अपनी मनमानी करके खुश तो तुम बहुत होगी लेकिन एक बात हमें समझ नहीं आया। जिस परिवार को तुमसे इतनी नफरत है जो तुम्हें एक नजर सहन नहीं कर पाता आज तुमने उनके लिए खुद को जेल तक में बंद करवा दिया। हाँ हमने खुद को ही जेल में डलवाया ताकि गलत पर सही की जीत हो सके। और रही बात उस परिवार की तो उनकी नफरत में भी इतनी कड़वाहट नहीं जितना जहर कुछ लोगों के प्यार में। शर्त के मुताबिक जैसा तुमने कहा था माँ ने और मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। राय बहादुर फैमिली को उनका घर और उनकी फैक्ट्री वापस कर दी। अब तक वो सब हुआ है जो तुमने चाहा था पर अब इसके आगे वो होगा जो मैं कहूंगा। हम यहाँ भागलपुर में एक पल भी नहीं रुकेंगे। आज अभी इसी वक्त सीधे कोलकाता के लिए निकलेंगे। चलें। हम बाहर वेट कर रहे हैं आ जाओ। मीडिया और वर्कर्स के सामने अपना जुर्म कबूल कर रहे हैं और आज खुद को कानून के हवाले कर रहे हैं। क्या हुआ सुमन तुमने यहाँ गाड़ी क्यों रुकवाई? भागलपुर छोड़कर जाने से पहले हम माता रानी के दर्शन करना चाहते हैं। फिर कभी दर्शन करना हो ना हो हम अभी आते हैं।
ऐसा क्यों एहसास हो कि सुमन कहीं आसपास है? हे माता रानी, हमें नहीं पता कि हमारी सुरभि माँ हमें कभी माफ कर पाएंगी भी या नहीं, लेकिन आज दिल में एक तसल्ली है कि अंशुमन जी और उनके परिवार का मान सम्मान हमने लौटा दिया। हमारी वजह से उस परिवार को जो भी नुकसान हुआ था, हमने किसी भी तरह वो सारे नुकसान चुका दिए। हम यहाँ से जा रहे हैं, आपसे बस एक प्रार्थना करना चाहते हैं, उस परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखिएगा, कभी कुछ गलत मत कीजिएगा उस परिवार के साथ। सुरभि माँ, पापा, दादाजी, आरती दीदी, नंदन, सबका ख्याल रखिएगा माता रानी, और अंशुमन जी का भी। उन पर कोई मुसीबत मत आने दीजिएगा, वो एक बहुत अच्छे इंसान है, उनके साथ हमेशा अच्छा ही करिएगा। बस हमारे इस प्रार्थना की लाज रख लीजिए माता रानी। माता रानी, कैसा संकेत दे रही है, अब कोई अपशगुन सहन नहीं कर पाएंगे हम। हमारे परिवार की बच्चों की रक्षा कीजिए।
हाँ सब कंट्रोल में ही है, टारगेट मेरे सामने ही है, आज काम पूरा हो जाएगा। आज अंशुमन झा नहीं बचेगा। ये तो वही टैटू वाला आदमी है और ये अंशुमन जी पर हमला करना चाहता है। नहीं, ये सुमन कहाँ रह गई? अभी तक आई क्यों नहीं? देर हो रही है राजीव। सुमन यहाँ? ये तो जेल में थी ना। अरे अंशुमन को क्या बोलना चाहती है? इतनी परेशान क्यों लग रही है? हम अंशुमन जी को कुछ नहीं होने देंगे। आप लोग प्लीज आइए ना, हमें वहां जाना। अंशुमन जी, अंशुमन जी, अंशुमन जी रुकिए, अंशुमन जी, अंशुमन जी हट जाइए, प्लीज हट जाइए। अरे कोई तो है, कोई मदद करो, कोई एम्बुलेंस बुला दो। अरे अपने अंशुमन जी,
अंजुमन जी पता करो कान्हा जी सुमन क्या करेंगे बेटा बोलो ना, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे, कुछ भी नहीं होने। बेटा घबराना नहीं, कान्हा जी है हमारे साथ। अंजुमन बेटा खोलो बेटा, सुमन जल्दी करो बेटा। कुछ नहीं होने देंगे, कुछ नहीं होगा आपको, कुछ भी नहीं। हिम्मत मत हारिएगा अंशुमन जी, आगे खोलो बेटा, कुछ नहीं होगा तुम्हें, कुछ नहीं होगा सर भीमा अंशुमन जी को, कुछ भी नहीं। बस अस्पताल आने वाला है बेटा, हिम्मत रखो। हम आपको कुछ नहीं होने देंगे, कुछ भी नहीं होने देंगे आपको। देखिए पलकों की छांव में टू सोमवार से रविवार शाम 7:30 बजे दंगल प्ले ऐप पर।